व्हाट्सएप के दो नए फीचर्स कौन से हैं? टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आप व्हाट्सएप पर यूज करते होंगे, ऐसे में गाइज आपको डर रहता है आपके डेटा का, आपकी फोटोज का, चैट्स का, तो आप डरते हो कि कहीं लीक ना हो जाए। लेकिन गाइज अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है यहाँ पे दो नए अपकमिंग फीचर्स जो है इंडिया में ला रहा है सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूजर्स के लिए, जिसके बाद आपकी प्राइवेसी जो है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और ज्यादा एनहेंस हो जाएगी, और ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो बताने वाला हूँ कौन से वो दो नए फीचर्स हैं, तो वीडियो आपको एंड तक देखते रहेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं, पहले फीचर के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पे फ्लैश कॉल्स। यस गाइज, जैसे भी आप कभी अपना अकाउंट किसी भी नए फोन में, स्मार्टफोन में लॉगिन करते हो, या फिर आपने गलती से अपना व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, फिर से इंस्टॉल करते हो, तो वहां पे जो है वो फिर से लॉगिन मांगता है कुछ इस तरीके से। फिर आप नंबर डालते हो, ओटीपी आता है, वहां पे आपको नीचे जो है कॉल और टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन गाइस अब ये नहीं होगा, आपको सिंपल से जो है कॉल आएगी वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगी आपके नंबर पे। आपको परमिशन देनी है अपनी कॉल्स एंड फोन को, उसके बाद आपको एक कॉल आएगी वो ऑटोमेटिकली जो है वेरीफाई कर लेगी, आपको पिक करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपका व्हाट्सएप जो है लॉगिन हो जाएगा। तो गाइस ये काफी अच्छा फीचर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आने वाला है, एंड गाइस ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जिनको डर रहता है कि भाई कहीं मेरा वो दोस्त या फिर वो भी फैमिली मेंबर वो मेरा व्हाट्सएप अपने फोन में लॉगिन ना कर ले कुछ इस तरीके से। तो आप इसको जो है अब यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा काम का फीचर। अगले फीचर के बारे में बात करते हैं जो है यहाँ पे मैसेज लेवल रिपोर्टिंग। गाइज आप सभी को पता होगा व्हाट्सएप पे कितने ज्यादा फ्रॉड एंड फेक मैसेज आते हैं, कुछ लिंक्स आते हैं, कुछ भाई लोग अब्यूज करते हैं, तो अब इस चीज से आप छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि गाइज यहाँ पे जो आपको मैसेज रिपोर्टिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा व्हाट्सएप पे। यस गाइज, अगर आपको किसी ने भी कोई भी अब्यूजिव कोई भी वर्ड लिखा है, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी ऐसा लिंक आया जो स्पैमी लिंक है, फिर आप बोल सकते हो उसमें आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा, हैक वैक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन या फिर कोई भी अकाउंट, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको जो है लॉन्ग प्रेस करके फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, उसमें रिपोर्ट का ऑप्शन देखने मिलेगा, वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि ये रिपोर्ट तो सेंड हो जाएगी, लेकिन जो वो बंदा है जिसने भी आपको लिंक भेजा है उसको कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं जाएगी कि भाई उसने जो है मेरा मैसेज रिपोर्ट करा है, तो वो सोचेगा भाई मैंने इसको तो भेज दिया, अब ये कब देखते हैं फंसता है या जो भी लिंक भेजा है, कुछ भी गाली भेजी है। तो व्हाट्सएप जो है आप इसको कुछ देर में रिव्यू करेगा, अगर वो एक्चुअली जो है गलत वर्ड होगा, जैसे मैं पे ये रिव्यू कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैंने लिख रखा है कोटेशन जो मेरे मन में था, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो यहां पे आप देख सकते हो रिपोर्ट सेंड हो गई है। लेकिन अगर कुछ ऐसे गलत होगा तो व्हाट्सएप उस पर एक्शन लेगा, यहां तक उसका अकाउंट जो है टेंपरेरी ब्लॉक एंड परमानेंटली ब्लॉक भी हो सकता है कि उस नंबर से वो कभी व्हाट्सएप चला ना पाए। तो बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इंडिया में काफी सारे दोस्त हैं, हम भी हैं भाई, अब्यूज करते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं, तो अगर ऐसा हो गया इन दोस्तों ने मजे में कर दिया तो अकाउंट की बैन बच जाएगी। बाकी व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि ये जो है जब रिपोर्ट करेंगे तो पीछे की जो चार पांच चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, उनको जो है दिखेगा किस किस कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही है, तो वो चीज समझने लायक है। तो आप लोग बताना कैसे लगे दो नए अपकमिंग फीचर्स, एंड ये जो फीचर है बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएंगे, शायद से काफी सारे लोगों को देखने मिल रहे हैं, मैं भी यूज कर पा रहा हूं, आप लोग बताना कैसे लगे फीचर। तो इतना देर में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियोस में रोजाना चैनल पर आता रहता हूं। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।